देखो, ये सारा हम लोग कर चुके हैं फंक्शंस, दूसरी शीट से कैसे लाते हैं वो भी कर चुके हैं, रेंज सेल सेलेक्ट करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग रिलेटिव रेफरेंसिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, बेसिक ये सारे जो फंक्शंस है ना, इंडेक्स, मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, स्पेशली वी लुकअप। वी लुकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक्सेल आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वी लुकअप बताओ, बिकॉज वी लुकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, एक चीज़ एक बार देख लो, जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे स्टेटस बार होता है, इसका क्या यूज़ है? जब हम लोग ये पूरा सेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं, सेल रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये ब्लैंक था अभी, जब मैंने सेल्स सिलेक्ट किया यहाँ पे क्या आ रहा है, सम, काउंट, एवरेज। तो बेसिक जो कैलकुलेशंस है वो अपने आप हो जाते हैं और यहाँ पे आने लग जाते हैं। काउंट आ गया 6 सेल्स, इस पूरे सेल्स का सम आ गया, पूरे सम सेल्स का एवरेज आ गया। कुछ और भी चाहिए तो कैसे करेंगे देखना, सिंपली ये स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना, स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना, एंड यहाँ से हम लोग, मेरा काउंट आ रहा है, एवरेज आ रहा है, हम लोग क्या क्या ला सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, वो सारे वैल्यूज़ भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाने के लिए भी यू कैन राइट क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट दिस। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, दिस इज़ द स्टेटस बार। ठीक है, ये इसका यूज़ है, इसको हम लोग क्विक सम्स भी बोलते हैं, अगर एक और नाम जानना है तो। इसको हम लोग क्विक सम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंपली हम लोग ने सिलेक्ट किया रेंज एंड मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, क्विक सम्स एकदम नॉर्मल। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया मेरा वी लुकअप, बेसिकली क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को, सपोज अगर तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो, अदरवाइज ये पीपीटी तो मिल ही जाएगा। लुकअप वैल्यू टेबल आ रही, ये मेरा आर्ग्यूमेंट्स है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली कॉलम वाइज, वर्टिकल मतलब कॉलम्स होते हैं ना, तो कॉलम वाइज नंबर्स या फिर डेटा ये देखता है, एक्सट्रैक्ट करके उसे यहाँ पे डालता है। तो बेसिकली क्या, सपोज नेम है आयुष, ठीक है, नेम है आयुष, एक मिनट रुक जाना, नेम है आयुष, मुझे आयुष, अभी यहाँ पे आई जस्ट हैव 6 रोज़, बहुत सारे रोज़ है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट का मुझे मार्क्स चाहिए, तो वो हम लोग कैसे, ऑब्वियसली ढूंढने तो बैठेंगे नहीं, तब हम लोग वी लुकअप यूज़ करेंगे। तो क्या होता है देखो, आयुष मैंने नेम में डाला, इसका मुझे मैथ्स का मार्क्स चाहिए, यहाँ पे तो देख के बोल रहे हो 89 है, क्या पूछ रहे हैं आप भी, पर बहुत बड़ा, जब बहुत सारे, सपोज यहाँ पे जो मेरा ये डेटा था, कितने सारे 195 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, इसमें से एक कंट्री इंडिया का मुझे बर्थ रेट चाहिए, तो अभी हम लोग कैसे ढूंढे, तो हम लोग सिंपली वी लुकअप से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझो, एकदम बेसिक है, अच्छे से समझना, ध्यान से पहले देख लो फिर खुद से करना। ठीक है, तो नेम में क्या दिया हुआ है, आयुष, इसका मुझे मैथ्स का मार्क्स चाहिए, क्या करेंगे पहले देख लो, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब कौन से वैल्यू को लेके हम लोग ढूंढ रहे हैं, मेरा बेसिस क्या है, मेरा बेसिस क्या है यहाँ पे, आयुष, आयुष इज़ माई बेसिस, मैंने कैसे लिखा है, अच्छा ये कैप्स लॉक में नहीं होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्टली उसी फॉर्म में होना चाहिए था, तो इसको हम लोग कर देंगे अभी चेंज। तो मेरा बेसिस इज आयुष, किसके बेसिस पे वी आर सर्चिंग, वी आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, दिस इज माई बेसिस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टेबल एरे, टेबल एरे मतलब टेबल रेंज, तो पूरा टेबल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, पूरा टेबल, ये मेरा पूरा टेबल है, सिलेक्ट कर लिया। अब जनरली जब हम लोग वी लुकअप यूज़ करोगे तो यहाँ पे तो हम लोग एक ही सेल में डाल रहे हैं, एक से ज़्यादा सेल्स में डालते हैं तो ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने से क्या होता है, सेल रेफरेंसिंग चेंज होता है, यहाँ पे टेबल का भी सेल रेफरेंसिंग चेंज होगा, होगा ना, पर मुझे उसे क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है, तो क्या करते हैं फिक्स्ड रखने के लिए, एब्सोल्यूट कर देते हैं इसे, इसे एब्सोल्यूट कर देते हैं, बिकॉज माई टेबल इज कॉन्स्टेंट, टेबल इज फिक्स्ड, टेबल इज नॉट चेंजिंग,
टेबल तो यही है, तो इसे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया, टेबल आ रही हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर, बेसिकली कौन से कॉलम, वर्टिकल लुकअप है ना, कौन से कॉलम से आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट माई वैल्यूज, कौन से कॉलम से निकालना है मुझे स्नेहा, कौन से कॉलम से, मैथ्स वाला कौन सा कॉलम है, नंबर बताओ, सेकंड है, इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है, सेकंड वाला, तो कॉमा टू डाला मैंने, कॉमा टू डाला मैंने, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, रेंज लुकअप, रेंज लुकअप ऑल दो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ब्रैकेट्स में है, ऑल दो ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डालना पढ़ना, अभी अगर नहीं डालोगे तो मे बी आंसर आ जाए, बट देन ट्राई, ये हमेशा डालना तुम लोग, ऑप्शनल में देखना, ये हमेशा डालना। तो ट्रू इज़ अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स इज एग्जैक्ट मैच, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट मैच चाहिए ना, आयुष का एग्जैक्ट मैच का मार्क्स मुझे चाहिए, एग्जैक्ट मुझे मैच चाहिए, तो आई विल सिलेक्ट फॉल्स, टाइप भी कर सकते हो पूरा फॉल्स या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हो, कैप्स लॉक में देख लेना, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्या आया आंसर, 89 मैथ्स इसका मार्क्स है आयुष का, क्लियर हुआ। एरर आ रहे, पहला इज लुकअप वैल्यू, किसके बेसिस पे वी आर सर्चिंग, आयुष के बेसिस पे, टेबल एरे, मैंने अपना एरे सिलेक्ट किया, उसे मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, व्हाई, बिकॉज इट विल नॉट चेंज, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से मुझे एक्सट्रैक्ट करने वैल्यू, एंड रेंज लुकअप में फॉल्स डालना हमेशा, ट्रू कभी मत डालना, जनरली क्या होगा, अगर तुम लोग ट्रू डालोगे, ट्रू डालोगे तो पता क्या होगा, यहाँ पे रिया और प्रिया है ना, इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो मे बी प्रिया में 88 आ जाए, ऐसा हो सकता है अगर ट्रू डालोगे तो, ठीक है। टेबल को, क्योंकि टेबल तो फिक्स्ड, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल में डाल रहे हैं, सपोज यहाँ पे और भी एक नेम होता साक्षी, ठीक है, तो जब इसे ड्रैग करते हम लोग, साक्षी का 90 है, हाँ, क्या हुआ यहाँ पे, ये जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो सिर्फ चेंज हो गया, AA4 था AA5 हो गया, सेल रेफरेंसिंग किया था ना, पर टेबल आ रहे तो सेम रखना है, अगर हम लोग इसको रिलेटिव रखते तो ड्रैग करने से भी चेंज हो जाता, टेबल आ रहे सेम रखने के लिए उसे फिक्स कर दिया, ठीक है, टू क्यों, अब यहाँ पे एक बार कर लो, पहले सब लोग आराम से कर लो, वी लुकअप सब कर लो आराम से, वी लुकअप बहुत, अब वी लुकअप हमने सीखा ना आज, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट, पूरा नहीं होगा वो वाला, पर उसमें एक वी लुकअप का क्वेश्चन है तो वो कर लेना, ठीक है। F4 से नहीं हो रहा, F4, ठीक है, मैं देख रही हूँ क्यों नहीं हो रहा, कल भी नहीं हो रहा था, ठीक है, मैं देख रही हूँ आगे। बाकी आया आंसर, ऐसे करो, बाकी सबका मैच हो रहा है क्या, आया आंसर, हाँ कर दो, हाँ बिना एब्सोल्यूट के, बिकॉज अभी ड्रैग नहीं करना हमें, अभी बस एक सेल पे कर रहे हैं, पर ऐसे तुम लोग को टेबल को हमेशा भले ही ड्रैग मत करना, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड, कभी ड्रैग करना पड़े तो एब्सोल्यूट कर देना, ठीक है। लुकअप वैल्यू इज द बेसिस वैल्यू, टेबल एरे, कौन से कॉलम से वैल्यू, अब यहाँ पे 2 के जगह अगर हम लोग 4 डालते तो क्या आता, एज आ जाता ना, इस टेबल में कौन सा उसका नंबर है वो, एंड फॉल्स डाला हमें एग्जैक्ट मैच के लिए, आया अभी नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है एरर में, नंबर एरर, वैल्यू एरर, तो तुम
तुमने ये सही सिलेक्ट किया है सेल। कॉलम नहीं टेबल। अभी के लिए छोड़ दो वो चीज़। आया अभी यहाँ पे एक बार देखना एक दो चीज़ जो अब देखो वी लुकअप है, कल करेंगे इंडेक्स और मैच फंक्शन। पर वी लुकअप का एक डिसएडवांटेज है, वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है, जो मेरा बेसिस है, जो मेरा आयुष जिस पे हम लोग निकाल रहे अपने वैल्यू, ये जो लुकअप वैल्यू है ये हमेशा मेरे टेबल एरे के लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। हमेशा जो मेरा टेबल एरे मैंने सिलेक्ट किया, ग्रीन दिख रहा है ये टेबल एरे मेरा, मेरा लुकअप वैल्यू कहाँ था? तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हमेशा मेरा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। अगर मेरा लुकअप वैल्यू सपोज यहाँ होता, नेम यहाँ है एंड मैथ्स का मार्क्स इधर है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम लोग यहाँ पे आयुष को सिलेक्ट करते और मुझे मैथ्स का चाहिए, कभी नहीं आता, एरर आता। तो ये इसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ है वी लुकअप का, कि द लुकअप वैल्यू शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द टेबल सिलेक्टेड। ऑफ द टेबल सिलेक्टेड मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखो। अब देखो ये चीज़ समझ में आया क्या हो रहा है, कि लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बेसिस हम लोग मेल लें एंड वहाँ से मैथ्स का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज माई लुकअप वैल्यू इज़ टुवर्ड्स दी राइट ऑफ द वैल्यू जो मेरे को आउटपुट चाहिए। ये एक केस हुआ। एक और केस ये हो सकता है, एक और केस एक ये हो सकता है। यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये लुकअप वैल्यू में यहाँ पे टेबल एरे हम चेंज करके ये पूरा सिलेक्ट करते हैं, एंड ये क्या होना चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर? फिर मैथ्स का मार्क्स चाहिए 3 हो जाना चाहिए। 3 y इस टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेक्ट किया है, हमेशा वही देखना कि कौन सा कॉलम टेबल सिलेक्ट किया। या तो आधा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैथ से सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश से सिलेक्ट कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। तो मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस, इसका कॉलम इंडेक्स मैथ्स का 3 है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। NA आएगा। क्यों NA आएगा? क्योंकि जो मेरा लुकअप वैल्यू है, जो आयुष है, दैट इज नॉट ऑन द लेफ्ट मोस्ट ऑफ माई टेबल सिलेक्टेड। तो जो भी टेबल सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे टेबल एरे में, उसका एकदम पहला कॉलम शुड बी द लुकअप वैल्यू वाला कॉलम। समझ में आया इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? ठीक है, अभी के लिए उसे हटा देते हैं। नहीं तो ब्लैंक था ना? नहीं वाह, ऐसे भी नहीं होगा, ब्लैंक है तो भी नहीं होगा। तो जो भी टेबल सिलेक्ट कर रहे, टेबल आ रहे यहाँ पे, उसका इट शुड ऑलवेज बी, देखो यहाँ पे गलत आ रहे हैं, ये 3 आ गया ना, ये 2 करना था, अभी सही है। क्लियर हुआ क्या मिस्टेक हुआ हम लोग का? क्या वी लुकअप का डिसएडवांटेज यही होता है, हमेशा याद रखना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल जो सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि ये मेरा टेबल है, टेबल मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती थी। तो जो टेबल वी आर सिलेक्टिंग, उसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम शुड बी योर लुकअप वैल्यू वाला कॉलम। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन एक सीख रहे हैं। ये भी आई डोंट थिंक कहीं तुम लोग का यूज़ हुआ है, CMN में कहीं यूज़ नहीं हुआ है, बट हम लोग सीखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। डेटा यहाँ पे देख लो पहले, फिर करना। सपोज़ मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है सारे नेम्स का, सो दैट मैं कोई भी नेम सिलेक्ट करूँ ना, तो यहाँ पे मेरा लुकअप वैल्यू अपने आप चेंज हो जाए। क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे, देखो सेल पे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे देख लो प्लीज़, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, यहाँ देखना, हाँ देखो। तो ये जो एनी वैल्यू वाला चीज़ है, डेटा वैलिडेशन और अच्छे से सीखेंगे बाद में हम लोग, एनी वैल्यू वाला है ऑप्शन, उसमें लिस्ट, मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है आयुष के जगह पे।
सोर्स मतलब कि उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, मुझे सारे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, तो आई सिलेक्टेड पूरे स्टूडेंट्स का नेम, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ देखो सारे स्टूडेंट्स का नेम आ जाएगा। तो अभी कहीं पे भी जाएंगे, साक्षी चेंज हुआ, वी लुकअप वैल्यू, रिया चेंज हुआ, वैल्यूज देखना चेंज होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आई हैव सिलेक्टेड दिस सेल एज द लुकअप वैल्यू। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये लुकअप वैल्यू वाले सेल में आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट। इस लिस्ट में से जो भी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, जो भी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट वी लुकअप का चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करो सब लोग। कैसे किया मैंने, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, फर्स्ट वाला ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करना, लिस्ट सिलेक्ट करना और सोर्स में वो सारा वैल्यूज करो, हुआ करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सबका आया तुम लोग का, पीछे सबका आया, आर्या आया, मारा आया, डेटा वैलिडेशन यूज होता है, सीखेंगे हम लोग, कल सीखेंगे। बेसिकली ये होता है जब हमें डेटा वैलिडेशन, मतलब क्या, वैलिडेट योर डेटा। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल मार्क्स है, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, तो अगर किसी टीचर ने भूल से कोई नेगेटिव मार्क्स डाल दिया, ठीक है, तो वो एरर आ जाएगा अपने आप, पॉपअप। या फिर 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी टीचर ने भूल से टाइपिंग एरर 110 डाल दिया, 11 था पर एक जीरो लग गया, तो वैलिडेशन एरर, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि अच्छा मैंने कहीं टाइपिंग एरर किया है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अब नेक्स्ट सीखते हैं। जैसे ही वी लुकअप था वर्टिकल लुकअप, वैसे ही एच लुकअप होता है। एच लुकअप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप। वर्टिकल लुकअप इज कॉलम वाइज वी आर लुकिंग। हमने यहाँ पे क्या डाला था, कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, कौन से कॉलम से आउटपुट चाहिए, टू सेकेंड कॉलम, वो डाल दिया, हो गया। अब एच लुकअप में क्या होता है, मुझे, हम लोग जैसे टेबल तो नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ भी हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। बेसिकली रो इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा, कौन से रो से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से यहाँ पे वो जो सेकंड कॉलम था, टू था, सेकंड कॉलम से वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे देखेंगे कि कौन से रो से मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर हुआ, एच लुकअप। यहाँ पे देखना, अगर ये टेबल मेरा हॉरिजॉन्टल होता, हॉरिजॉन्टल होता मतलब ऊपर में नेम्स होते एंड साइड्स में मेरे मार्क्स होते, तब वी कुड हैव यूज्ड एच लुकअप। ऊपर में नेम्स होते एंड लेफ्ट में मेरे मार्क्स होते, सब्जेक्ट्स होते, तो पूरा टेबल उल्टा हो जाता, तब हम लोग एच लुकअप यूज़ करते। यहाँ पे समझने के लिए करो, एच लुकअप का हार्डली कहीं यूज़ है। तो पहला क्या हो गया मेरा, लुकअप वैल्यू। अब सपोज मुझे आयुष का मार्क्स चाहिए मैथ्स का, ठीक है, या फिर आयुष का मुझे ऐसे ले लो, मुझे मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ है, मैथ्स का मार्क्स, अब मुझे वो आयुष के लिए चाहिए, प्रिया के लिए चाहिए, सो डिपेंडिंग ऑन दैट, वैसे करके। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, आयुष का ही मुझे मैथ्स का, इंग्लिश का सारे मार्क्स चाहिए, तो समझ में आ जाएगा अभी हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली फर्स्ट इज योर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या हो गया मेरा, मैथ। आयुष का मुझे क्या चाहिए, मैथ्स का मार्क्स चाहिए, राइट। तो मैंने क्या, अभी हम कॉलम वाइज देख, रो वाइज देखेंगे, पहले हम देख रहे थे मैथ्स का मार्क्स, ये कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब हम ये रो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आयुष का, समझ में आ रहा है।
डिफरेंस पहले हम कर रहे थे कि मैथ्स का मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे हम आयुष के सारे मार्क्स सारे डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्ट वर्टिकली देख रहे थे, अभी हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, मैथ्स का मार्क्स चाहिए। ये मेरा टेबल आ रहे हो गया नॉर्मली, ये मेरा टेबल आ रहे हो गया। ठीक है, रो इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए? इस पूरे टेबल में आयुष का मुझे सारा वैल्यू चाहिए। तो आयुष कौन से रो में आता है? टू में आता है, टू में आता है, तो यहाँ पे टू डाला। ठीक है, और ये वाला ऑब्वियसली हो जाएगा फॉल्स। क्लियर हो रहा है? कैसे कर रहे हैं? पहले हम लोग कॉलम में देख रहे थे मैथ्स का मार्क्स, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयुष के सारे डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग रो वाइज देख रहे हैं, इसीलिए एच लुकअप। तो मेरा लुकअप वैल्यू कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली ऊपर आएगा। यहाँ पे भी सेम, एच लुकअप में सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम, टेबल का सबसे टॉप मोस्ट रो होना चाहिए। ठीक है, लुकअप वैल्यू जैसे यहाँ पे टेबल का सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए, वैसे ही टेबल में एच लुकअप के लिए सबसे टॉप मोस्ट मेरा कॉलम होना चाहिए लुकअप वैल्यू वाला। क्लियर हुआ? मैथ्स तो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट रो, एंड वो हाँ जो हमने सिलेक्ट किया है ना उसका टॉप मोस्ट रो, एंड यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम चाहिए। तो ये हो गया, आंसर देख लो 89 आ रहा है। अब यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इन सब का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, तो अपने आप ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे, बिकॉज हमने क्या सिलेक्ट किया, रो नंबर, रो इंडेक्स नंबर टू, तो इस टेबल में से रो। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करो, देख लो एक बार डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स में मैंने नेम भी ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, तुम पे डिपेंड करते हैं। तो नेम डालेंगे तो आयुष आ गया उसका नेम, मैथ्स का मार्क्स आ गया, इंग्लिश का मार्क्स आ गया, एज आ गया। ठीक है, बेसिकली एच लुकअप, वी लुकअप इज व्हाट? वर्टिकली मैथ्स का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करें, हॉरिजॉन्टली आयुष के सारे डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करें। देख लो डेटा वैलिडेशन से। ठीक है, क्लियर हुआ? वी लुकअप एच लुकअप, जनरली वी यूज वी लुकअप ओनली, विच इज वर्टिकली कॉलम वाइज हम लोग वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब मेरा लुकअप वैल्यू इज लेफ्ट मोस्ट, एंड एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टली एक रो में से सारे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें बताते हैं हम लोग कौन सा नंबर ऑफ कॉलम से सारे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं, यहाँ पे बताते हैं कौन से नंबर ऑफ रो से सारे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने हैं। घर जाना और ये वापस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सब मैंने दे दिया, उसमें एक वी लुकअप का क्वेश्चन है वो भी करना। ठीक है, आई विल सेंड द एक्सेल फाइल। फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला काम करेंगे, पहले अपने प्रैक्टिस शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पक्का से करके आना। ठीक है, इंडेक्स मैच ये सब नेक्स्ट क्लास करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। वी लुकअप एच लुकअप अच्छे से करके आना। अब ये जो वी लुकअप का प्रॉब्लम है, लेफ्ट मोस्ट वाला चीज़, यही प्रॉब्लम इंडेक्स मैच सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।